हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि शॉपिंग करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बेहतर होता है या फिर ऑफलाइन। तो ऑनलाइन का मतलब हो गया अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो वगैरह, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन होता है जिससे आप जो है घर बैठे सामान ऑर्डर करेंगे और आपके घर पर आ जाता है। ये हो गया ऑनलाइन शॉपिंग। और ऑफलाइन शॉपिंग का मतलब आप मार्केट में गए, दुकानदार से सामान खरीदे, वो हो गया ऑफलाइन शॉपिंग। दोस्तों इस वीडियो में अपना ओपिनियन भी बताने वाला हूँ, आपको ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, मैं ये लास्ट में बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन का बेनिफिट क्या होता है। तो ऑनलाइन का बेनिफिट यह होता है कि आप अपने मोबाइल से या फिर देख सकते हैं मेरा लैपटॉप में, मैं यहाँ पर सामान देखूंगा, कोई भी सामान मुझे लेना होगा तो मैं सामान ऑर्डर करूंगा और मेरे घर पर डिलीवरी हो जाएगा। हालांकि डिलीवरी चार्ज मुझे अलग से देना होगा और सामान थोड़ा महंगा मिलता है ऑफलाइन से। ऐसा क्यों होता है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और दूसरा बात दोस्तों, आप अगर ऑनलाइन से सामान खरीदते हैं तो अगर आपका सामान कोई डिफेक्ट हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई सामान में आपको 7 दिन या फिर 14 दिन का रिटर्न पॉलिसी होता है। अगर आप कोई भी सामान ऑर्डर करते हैं, वो डिफेक्ट हो गया, बिगड़ा हुआ है या फिर 7 दिन 14 दिन के अंदर खराब हो जाता है, तो आप उसको दोबारा पैक करके आप रिटर्न कर सकते हैं, आपको पैसा जो है आपके अकाउंट में वापस मिल जाएगा या फिर दूसरा सामान जो है उस पैसे से आप ले सकते हैं। इस तरह का बेनिफिट आपको ऑनलाइन में मिलता है। और घर बैठे आप अपने मोबाइल से ऑर्डर करेंगे, आपको मार्केट में घूमना नहीं पड़ेगा, तो आपका टाइम बचता है, ये बेनिफिट होता है ऑनलाइन से। और ऑनलाइन में आप कभी कभी देखेंगे 12 बजे 10 बजे रात में जो है सेल लगता है और क्लियरेंस सेल भी होता है, जो कि कभी कभी बहुत सस्ते में आपको सामान मिल जाता है। और अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो और भी डिस्काउंट जो है आपको मिल जाता है ऑनलाइन में। और ऑनलाइन में आपको सामान ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है, तो ये तो और भी बेनिफिट हो गया। लेकिन आपको ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करना चाहिए, मैं ये लास्ट में बताऊंगा। और दूसरा बात दोस्तों, ऑफलाइन की बात करते हैं तो ऑफलाइन मार्केट आप शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको दुकान में सामान कहीं पर मिलता है, कहीं पर नहीं मिलता है, आपको 2-3 दुकान में ढूंढना पड़ता है, फिर कहीं जाकर सामान मिलता है। तो मार्केट में अगर ज्यादा सामान आपको नहीं मिलता है तो वो सामान का दाम जो है आपको थोड़ा महंगा मिलेगा, या फिर हर जगह अगर कोई सामान मिलता है तो वो थोड़ा सस्ते में भी मिल सकता है। और ऑफलाइन का बेनिफिट यह होता है कि जितना प्राइस है उसमें जो है आप और भी डिस्काउंट करवा सकते हैं, घटा कर ले सकते हैं। और ऑफलाइन का एक डिसअपॉइंटेड ये है कि आप जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सामान है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं और दुकान से बाहर निकल गए, फिर आप घर जाके सामान टेस्ट किए, वो सामान नहीं चलता है या फिर कोई प्रॉब्लम आता है 1-2 दिन के बाद जो, तो वो सामान आपको रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि ऐसा ऑफलाइन में कोई पॉलिसी नहीं होता है, दुकानदार का अपना मर्जी होता है, वो चाहे तो रिटर्न भी कर सकता है, दूसरा आपको दे सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसा नहीं होता है, वो सामान जो है अंडर वारंटी में होगा और आपको वो सामान वो रिपेयर करके ही देगा। तो ये डिसअपॉइंटेड होता है ऑफलाइन मार्केट में। दोस्तों मैं अब मैं बात करता हूँ कि आपको ऑनलाइन में सामान क्यों नहीं लेना चाहिए, ऑफलाइन में ही क्यों लेना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, मैं 8 साल से ऑनलाइन में ही सामान लेता हूँ, और जब मैं भी कुछ बेचना चाहा ऑनलाइन में तो वहां पर मैं देखा कि किसी सामान में 10%, किसी सामान में 20% हमको एक्स्ट्रा पैसा जो है, जो जिसका आप प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजोन हो गया, मीशो हो गया, जहां से हम बेचना चाहते हैं उसको हमें इतना 10% 15% पैसा जो है उसको देना पड़ता है, और आप पैकिंग वगैरह करते हैं तो उसका पैसा भी जो है आपको ही देना पड़ता है, और डिलीवरी का पैसा जो खरीदेगा उसको देना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है 10-15% तो सामान का दाम वैसे ही महंगा हो गया, और आप जो पैकेजिंग वगैरह करेंगे उसमें भी जो है खर्चा आता है, और खरीदने वाले को भी जो है डिलीवरी चार्ज देना पड़ता है, तो वो सामान तो वैसे ही महंगा हो गया। लेकिन आपने देखा होगा कभी कभी जब कोई भी ऑनलाइन मार्केट नया नया खुलता है, जैसे कि नेपाल में अभी दराज बहुत चर्चे में है, ये नया नया खुला है, पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, तो इसमें आप देखेंगे तो सामान अभी सस्ता है। ऐसा पहले अमेजोन पे भी होता था, जब नया नया अमेजोन आया था तो उसमें भी ऐसा ही होता था, बहुत मार्केट से आपको बहुत ज़्यादा सस्ता में मिलता था, लेकिन अभी आप देखेंगे तो मार्केट से ज़्यादा महंगा होता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, देखिए जो दुकानदार है या फिर सेलर है वो तो अपना प्राइस वही डालता है, लेकिन ऑनलाइन वाला जो है उसमें घटा देता है प्राइस, उसको ज़्यादा कस्टमर लाना होता है अपने प्लेटफॉर्म पर। और आप अगर ऑफलाइन दुकान में सामान नहीं खरीदते हैं, आप ज़्यादा ऑनलाइन में ही सामान खरीदेंगे, तो आपका आजू बाजू में जो शॉप होगा वो दुकानदार जो है दुकान बंद हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन में वही टिकता है जिसके पास बहुत ज़्यादा सामान होता है, जैसे कि होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर, उसके पास जो है बहुत ज़्यादा सामान होता है, डायरेक्ट कंपनी से आता है, तो वो जो है 10-15% अमेजोन वालों को देख के भी आपको सामान थोड़ा सस्ता में प्रोवाइड करेगा।
और आपके आजू बाजू में जो दुकानदार होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसको प्रॉफिट ही नहीं होगा, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदेंगे, होलसेलर से खरीदेंगे, फिर उसको बेचेंगे रिटेल में, तो उसको भी तो कुछ बचना चाहिए। और इसका फायदा जब वो दुकानदार को घाटा लगता है तो दुकानदार जो है अपना दुकान बंद कर लेता है, फिर बाद में इसका फायदा ऑनलाइन वाला उठाता है। मान लीजिए मैं डिस्ट्रीब्यूटर या फिर कोई भी सेलर कोई सामान 1000 रुपये में बेचना चाहता हूँ, बाद में वही सामान को ऑनलाइन वाला जो है 1200-1300 में बेचेगा, क्योंकि आपके आजू बाजू का दुकान जो है बंद हो गया, आपको सामान कहीं पर मिलेगा नहीं, मिलेगा तो ऑनलाइन में ही मिलेगा, तो आपसे ज़्यादा पैसा वसूला जाएगा। ऐसा मेरे साथ हुआ है। देखिए मैं जब देखा कि ऑनलाइन में मैं सामान बेचने गया तो मुझे पता चला कि 10-15% तो अमेजोन वाले को देना पड़ता है, तो मैं दुकान में गया सामान खरीदने के लिए, तो मैं उसको बोला अगर आप लोग ऑनलाइन में सामान बेचते हैं तो आपको 10-15% जो है अमेजोन वाला को देने पड़ते हैं, तो आप मुझे उसमें कम करके दीजिए, देखिए ऑनलाइन में ये सस्ता मिल रहा है, आप इतना प्राइस में अगर 10-15% प्लस कीजिए तो कितना आता है, तो आप इतना घटा के मुझे दे दीजिए सामान। तो उसका कहना था कि इसमें हम नहीं बेचते हैं, इसमें जो है बड़े बड़े सेलर जो है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर वाला हो गया, वही सब बेचते हैं, वही राउस वाला हो गया, तो हम नहीं दे सकते हैं उतना प्राइस में, उसका कहना था। तो इस बात से जो है पता चलता है, बाद में वो दुकान बंद हो जाएगा तो वही होलसेलर वाला या फिर डिस्ट्रीब्यूटर जो है आपको ज़्यादा दाम में बेचेंगे। आप देखते होंगे कोई सामान 1 महीना पहले थोड़ा सस्ता में मिलता था, फिर बाद में जो है उसका प्राइस ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ऑफलाइन ही शॉपिंग करें, ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग ना करें, इसका नुकसान जो है आपको ही भुगतना पड़ेगा।